हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पालक और आलू की सब्ज़ी, और ऊपर से हम इसमें तड़का लगाएंगे जिससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पालक। पालक को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है और इसको ढक के उबलने के लिए रख देंगे। अब हमारा पालक उबल चुका है। इसको ठंडा होने के लिए हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। फिर हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालेंगे, फिर उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद थोड़ा हल्का भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा रेड होने तक पकाएंगे। तो हमारा प्याज थोड़ा रेड हो चुका है। अब इसमें हम मिर्च ऐड कर मिर्च के बाद इसमें हम थोड़ी अदरक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे ये सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे। पालक को हमने मिक्सी में पीस लिया था। अब इसको हम पालक और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम आलू उबले हुए डालेंगे और मसाला और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने ये मसाला और आलू मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि नमक हम थोड़ा सा पहले भी डाल चुके हैं इसलिए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने अभी 1 ही कप लिया हुआ है। अब इन सब्जियों को सबको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए इसलिए हम 1 कप और पानी ऐड करेंगे। अब इसको चला लेंगे। अब इसको हम ढक के पका लेंगे 8 मिनट तक। तो सब्जी अब हमारी लगभग पक चुकी है। इसको एक बार चला लेंगे हम अच्छे से। तो हमारी सब्जी पक चुकी है। अब दूसरी तरफ हम एक फ्राई पैन रखेंगे। उसमें थोड़ा लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ा अच्छे से चला लेंगे। लहसुन हमारा हल्का सा रेड हो चुका है। अब इसमें हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो हमारा ये तड़का तैयार हो चुका है। अब हम सब्जी को सर्व करेंगे। फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे जो हमने अभी बनाया है। अब इसमें हम ऊपर से तड़का चारों तरफ डाल देंगे। तो हमारी अब सब्जी बनके एकदम से तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।